मध्य प्रदेश शासन के लिपिक वर्गीय कर्मचारी की दीर्घ लंबित विसंगतियों व समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु रीवा कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। वेतनमान समान कार्य व समान योग्यता के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के समतुल्य 2400 रुपए कीजिए। समयमान वेतनमान की कणिका 4 को विलोपित करते हुए वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में कार्यरत लिपिकों को द्वितीय एवं तृतीय वेतनमान पात्रता समय से प्रदान करें। अनुकंपा नियुक्ति के माध्यम से भर्ती हुए सहायक ग्रेड 3 को 4 वर्ष के भीतर CPCT उत्तीर्ण करने पर सेवा पृथक करने संबंधी निरस्त हो। 5 वर्ष से बंद पदोन्नतियों का वैकल्पिक समाधान शीघ्र हो। प्रदेश के समस्त लिपिकों को एक समान भर्ती नियम एवं एक समान समयमान वेतनमान लागू किया जाए। प्रदेश के समस्त लिपिकों के 4 स्तरीय रचना क्रम को लागू किया जाए। सीधी भर्ती से नियुक्ति कर्मचारियों को 3 वर्ष तक 70%, 80%, 90% स्टाइपेंड देने संबंधी असमानता पूर्ण एवं शोषण कार्य आदेश तत्काल निरस्त हो। शेष महंगाई भत्ता एवं वेतन वृद्धि रिलीज करें। मध्य प्रदेश लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ भोपाल के आह्वान, प्रांतीय आह्वान के आधार पर हम लोग कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं अपनी वेतन विसंगति, डीए एरिया, इंक्रीमेंट एरिया, इनके संबंध में। मुख्य मांग है वेतन विसंगति, वेतन विसंगति जो मुख्य मांग कई वर्षों से लंबित है, उसकी मुख्य मांग वही है। विजय शर्मा, संभागीय अध्यक्ष। मैं माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से आज प्रथम चरण है ये मेरा कि ज्ञापन सौंप करके मेन ही मेरी मांग है वेतन विसंगति, वो जो कई वर्षों से लंबित है, जिसमें रमेश चंद शर्मा की अनुशंसाएं भी शामिल थी, आज तक विचार नहीं किया है। तो ये प्रथम चरण माननीय प्रांताध्यक्ष के आवाहन पर हमने आज ज्ञापन सौंपने का वो किया है। इसके पश्चात अग्रिम कार्रवाई जो भी होगी आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। नरेंद्र पांडे, जिला अध्यक्ष। रीवा के चौरहटा थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय बच्ची के साथ एक युवक करता रहा लगातार शारीरिक शोषण। सूचना पर पुलिस ने किया केस दर्ज, आरोपी फरार। चौरहटा थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय बच्ची के साथ डरा धमका कर एक युवक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। बच्ची ने जब इसकी जानकारी परिजनों को दी तो उसके परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। बताया गया है कि हैवानियत का शिकार हुई बच्ची काफी सहमी हुई है। 12 वर्षीय बच्ची 5 जनवरी 2021 को किसी काम से जा रही थी। उसी समय उसे आरोपी अजय कौल, पिता विक्रम कौल, निवासी तिलौरा थाना नादन जिला सतना मिल गया। आरोपी ने पीड़िता को अकेला पाकर उसे धमकाया, जिससे वह डर गई। शाम करीब 5 बजे वह बच्ची को लेकर गाँव के आंगनबाड़ी केंद्र ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता ने शोर मचाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी ने जान से मारने की धमकी देकर उसे शांत करवा दिया। हाँ, परसों रात में एक बच्ची उसके परिजनों के द्वारा थाने में रिपोर्ट की गई थी। तो उनकी बच्ची है करीब, जिसकी उम्र 13 साल के आसपास है, उसके साथ एक व्यक्ति के द्वारा कुछ बदमाशी की गई। पुलिस ने उसकी तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया। प्रकरण पंजीबद्ध करने के बाद बच्ची ने जो बताया था कि उसके गांव में ही एक व्यक्ति रहता था जिसकी उम्र करीब 22 वर्ष की थी, तो उसको पुलिस के द्वारा घेराबंदी करके पकड़ा गया। आरोपी को पकड़ने के बाद उसको जेल भेज दिया गया, आरोपी जेल चल गया है और बच्ची का मेडिकल कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची को ऐसा आशंका हो रही थी परिजनों की कि बच्ची संभवतः पेट से है। डॉक्टरों ने बताया अभी प्राथमिक जाँच करके बच्ची पेट से नहीं है, लेकिन उसके साथ मतलब घटना घटित हुई है। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस अग्रिम विवेचना कर रही है। संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी रामपुर एवं पुलिस अधीक्षक रामपुर द्वारा तहसील सदर में सुनी गई फरियादियों की समस्याएं। संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी रामपुर रविंद्र कुमार तथा पुलिस अधीक्षक रामपुर शगुन गौतम द्वारा तहसील सदर रामपुर पर फरियादियों की समस्याओं को सुना गया तथा संबंधित को उनकी समस्याओं के निस्तारण हेतु दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान अन्य अधिकारीगण व कर्मचारीगण मौजूद रहे। सिंगरौली जिला अध्यक्ष अरुण देव पांडे की अगुवाई में मोरवा भगत सिंह कॉलोनी में महिला यूथ फेडरेशन की हुई मीटिंग। अरुण देव पांडे द्वारा कहा गया कि इस मीटिंग के माध्यम से महिलाओं को जागरूक एवं सशक्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अगले माह से प्रत्येक 12 तारीख को यहां मीटिंग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं को जोड़ने का काम किया जाएगा। साथ ही अरुण देव पांडे द्वारा बताया गया कि
जिले में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का उम्मीदवार उतारा जा सकता है, जिसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। पांडे द्वारा कहा गया कि ऐसे लोग हैं जिनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, समग्र आईडी, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड नहीं बन पाने जैसी समस्याएं निर्मित हैं। इस मीटिंग के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, जिसमें ऑल इंडिया महिला फाउंडेशन की जिला अध्यक्ष अनीता गुप्ता, जिला सचिव सुनीता दुबे एवं अन्नू त्रिपाठी तथा ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के प्रमोद नामदेव उपस्थित रहे। आज ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन महिला इकाई का मीटिंग भगत सिंह कॉलोनी में रखा गया। इसमें महिलाओं के जो है कि हित के बारे में बात करनी है, जैसे कि मुख्यमंत्री कन्या योगदान जो है कि लोगों को नहीं मिल रहा है 51,000, उसके बारे में, आधार कार्ड बनवाने के लिए इधर उधर दर दर भटकना पड़ रहा है, राशन कार्ड बनवाने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है और संबल कार्ड बनवाने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, मजदूर कार्ड बनवाने के लिए महिलाओं को और यहाँ के लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। इसके माध्यम से हम मीटिंग रख करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हम यदि अगर हमारे ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन में आए वो सब आते हैं तो इनका सब जो है कि कार्ड बनवाने का काम ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन करेगा, इसीलिए आज यहाँ पे जागरूक मीटिंग रखी। बुलंदशहर से कासगंज जाते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग प्रदेश महासचिव सैयद मुनीर अकबर का नीमखेड़ा गांव में किया गया गर्मजोशी से स्वागत। इस मौके पर प्रदेश महासचिव सैयद मुनीर अकबर ने कहा कि किसानों को 100 दिन से ज्यादा धरने पर बैठे हो गए, लेकिन यह गूंगी बहरी सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है और हर तरफ लूट, हत्या व बलात्कार का बोलबाला है। आज हर वर्ग परेशान है। आज तक देश में इतनी महंगाई कभी नहीं हुई। पेट्रोल, डीजल व घरेलू गैस के दामों ने अपना एक अनोखा इतिहास बनाया है। देश के प्रधानमंत्री गरीबों की गरीबी दूर करने के वादे से आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ उद्योगपतियों की गरीबी दूर करने में लगे हैं। उनको देश का किसान नजर नहीं आ रहा और उनका इस ओर ध्यान ही नहीं जा रहा। किसान अपनी मांगों को लेकर 100 दिन से दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहा है। 200 से ज्यादा किसान अपने प्राण त्याग चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान इस ओर बिल्कुल नहीं जा रहा। इस मौके पर आलम प्रधान व अन्य लोग मौजूद रहे। आज के लिए बस इतना ही, और ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए HBN न्यूज के साथ। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं। बड़ा धमाका आपके सामने पेश है। जी हां, पूरे अलीगढ़ में सबसे सस्ता कंप्यूटर मशीन द्वारा फ्री नजर की जांच, जिसका नाम है जसवंत सिंह चश्मालय। यहां पर नजर व धूप के चश्मों का विशाल शोरूम। जी हां, मात्र 359 रुपए में पाए दो नजर के चश्मे, मात्र 159 में पाए दो स्टाइलिश धूप के चश्मे, मात्र 100 रुपए में फाइबर के लेंस व 60 रुपए में कांच के लेंस। पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक बल व सेना में कार्यरत जवानों के लिए विशेष छूट भी है। बढ़ती महंगाई में बिजली का बिल आसमान छू रहा है। बिजली के बढ़ते बिल से बचने के लिए अपनाइए UTL सोलर, भारत का नंबर वन ब्रांड श्री प्रदीप कुमार द्वारा UTL सोलर। पता सूर्य इंटरप्राइजेज, बाउजी मार्केट इन फ्रंट ऑफ विष्णु धाम कॉलोनी, गेट अलीगढ़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7599218722 8212044859। भारतीय डांस स्टूडियो, जहां आप सीख सकते हैं बॉलीवुड, हिप हॉप डांस, क्लासिकल डांस, फ्री स्टाइल, कंटेम्पररी, वैली डांस। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री। कोरियोग्राफर भारती कोहली, पता 448 खान बिजली घर नंबर 3 के पीछे खुर्चा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9927914635703779223 2।
क्या आपको एग्जाम का डर सता रहा है? क्या आपको अपनी पसंद की बुक नहीं मिल रही है? अगर हाँ तो आइए हमारे सिटी बुक सेंटर और पाइए CBSE, NCERT और UP बोर्ड की हर तरह की बुक राजेश शर्मा जी द्वारा बुक सेंटर अचलताल अलीगढ़। संपर्क करें 9411878351। ERG हॉस्टल स्कूल विद अकेडमी, जहां आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। एक ऐसी हॉस्टल स्कूल जहां आप पाएंगे स्मार्ट क्लास, प्रोजेक्टेड क्लास के साथ साथ स्कूल कक्षाएं एवं नवोदय विद्या ज्ञान, सैनिक स्कूल, AMU, BHU, प्रवेश परीक्षाओं, कंपटीशन की भी तैयारी भी कराते आ रहे हैं। पता नहर की पटरी, ज्वालखेड़ा रोड, वलीपुरा, बुलंदशहर। फोन नंबर 9368881182 और 7500434711। नरेश इलेक्ट्रिकल अतरौली की नंबर 1 दुकान, जहां सभी प्रकार की कंपनियों के बिजली के सामान उचित रेटों पर मिलते हैं। पता उत्सव विहार के पास अलीगढ़ रोड अतरौली। संपर्क करने के लिए कॉल करें 8077067057 8273150313 पर। अलीगढ़ का नंबर 1 बैटरी सर्विस हिंद बैटरी सर्विस, प्रशांत कुमार की अलीगढ़ की जानी मानी बैटरी सेवर प्रदत्त कंपनी बन चुकी है। ग्राहकों की प्राथमिकता की सहूलियत देखते हुए सदैव डिफेक्ट बैटरी को अपने काउंटर से ही रिप्लेस करते हैं। सभी तरह की कंपनियों की बैटरियों का एकमात्र विश्वसनीय मल्टी ब्रांड शोरूम हिंद बैटरी सर्विस। होटल मन्नू महाराज, एक ऐसा होटल जहां आप पाएंगे हर सुविधा, जैसे गार्डन एरिया, एयर कंडीशनर, कमरे, बेहतरीन खाने की सुविधा और भी बहुत कुछ। पता दिल्ली रोड सिकंदराबाद बुलंदशहर। संपर्क करें 7900481418, 7055551418। एजुकेशन स्कूल, जहां एक अच्छे भविष्य बनाने के साथ साथ आपको अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। एक ऐसा स्कूल जहां आप पाएंगे स्मार्ट क्लासेस, प्रोजेक्टर क्लासेस, स्विमिंग पूल, वाईफाई कैंपस, इंडोर आउटडोर गेम्स, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, हरी भरी प्रेमिसेस और भी बहुत कुछ। पता दिल्ली रोड सिकंदराबाद बुलंदशहर। अलीगढ़ शहर का नंबर 1 कार डेकोर श्रीनाथ कार डेकोर, यूनियन बैंक के पास GT रोड अलीगढ़। मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव श्रीवास्तव। पिछले 10 सालों से अलीगढ़ की नंबर 1 कोचिंग क्लासेस, जो हजारों बच्चों को अब तक प्लेसमेंट करा चुकी है। यहाँ UPSI, UP पुलिस, लेखपाल, रेलवे, बैंक, TET, SSC, CGL, GD, MTS और कई अन्य कोर्सेज कराए जाते हैं। यही नहीं, अब आ रहे हैं ठाकुर द्वारा मुरादाबाद की स्टोनोग्राफर फैकल्टी के साथ डायरेक्टर राज ठाकुर द्वारा दी कौटिल कंपटीशन क्लासेस। पता मीरा कॉम्प्लेक्स एटा चुंगी GT रोड अलीगढ़। संपर्क करने के लिए डायल करें 8535022214।
6397847915।